सर वीकेंड में प्रवेश हम कर रहे हैं और बताइए सर जिस तरह का कल का प्रदर्शन रहा है आज कैसी तैयारी करनी है निफ्टी बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स। गुड मॉर्निंग, देखिए संकेत काफी बढ़िया है, ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी होती दिख रही है और भारतीय बाजारों में भी आप देखिए एक दिन की छुट्टी के बाद कल बाजारों ने अच्छा एक्शन दिखाया और साथ ही साथ कल के सेशन में जो आंकड़े हैं एफआईज और घरेलू फंड्स के वो भी खरीदारी के बढ़िया मजबूत आते दिख रहे हैं। तो ग्लोबल सपोर्ट है और साथ ही साथ लोकल ट्रिगर्स में आपको खरीदारी का पूरा पूरा सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। तो इन दोनों संकेतों के दम पर आज फिर से आजा नए लाइफ हाई बनाने की पूरी पूरी तैयारी करेंगे। मुझे लगता है कि पूरी संभावना है कि हम पहली बार 22,800 की तरफ बढ़ें और उन लेवल को छूने की कोशिश करें। जहां तक सवाल लेवल का है, सपोर्ट रेंज धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है और आज के लिए निफ्टी पर आपको जो मजबूत सपोर्ट मिलेगा वो है 22,550 से 22,625, 22,650 के आसपास आप बंद हो जाए सपोर्ट थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि एक बड़े गैप के साथ खुलने की पूरी संभावना आपके लिए है। और 22,750 से लेकर 22,850 की रेंज है ऊपर की तरफ जहां पर बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल, कल हल्का सा सुस्त रहा, कमजोर तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि 49,000 के ऊपर कल भी टिके रहे और बंद भी 49,000 के ऊपर ही हुआ, तो ऐसी कोई खास चिंता वाली बात है नहीं और सपोर्ट भी 49,000 के पास ही है। तो 49,125 ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर आज रहेगा और ऊपरी स्तरों पर 49,400, 49,525 ये छोटी मोटी रुकावट की रेंज है और इसको पार किया तो फिर सीधा 49,950 की तरफ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। सो ओवरऑल खरीदारी के रुझान के साथ रहे, जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं वहां पर बढ़िया एक्शन रहेगा और तेजी के लिए आपको वहीं पर फोकस करना चाहिए। जी वैलिड पॉइंट्स, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को जोश देने के लिए और दिशा देने के लिए। तो क्लियरली खरीदारी का ही दिन है एंड ऑफकोर्स सर ने हिंट तो दे ही दी है आपको कि आपको जो रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स हैं उन पर फोकस करना, और आइए हम भी जो अपना फोकस है उसी तरफ बढ़ाते हैं।